हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सक्सेस पर। सक्सेस, कामयाबी। अक्सर आप लोग के भी दिमाग में ये सवाल आता होगा कि जिंदगी में कामयाब बनने के लिए आखिर किस चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर आता है तो आज आपको आपके इसी सवाल का जवाब देंगे हम अपनी कहानी के जरिए। हमारी इस कहानी में एक छोटा सा लड़का है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके पास सवालों का एक बड़ा सा पिटारा है। क्यूरियोसिटी का भंडार है उसके पास। अपने इस बड़े से पिटारे में से वो डेली एक सवाल निकालता और निकल पड़ता अपने घर के बाहर सड़कों पर। उसको जितने भी लोग मिलते वो सबको पकड़कर उनसे वो सवाल पूछता और जवाब ढूंढने की कोशिश करता। ठीक ऐसे ही एक दिन अपने उस सवाल के पिटारों में से उसने एक सवाल उठाया, जो आपका सवाल था कि जीवन में कामयाब होने के लिए आखिर क्या चीज़ चाहिए। सवाल को लेकर वो फिर से निकल पड़ा सड़कों पर। कई लोग मिले, सबसे उसने ये सवाल पूछा, कुछ ने उसको जवाब भी दिया, लेकिन किसी से भी उसको वैसा जवाब नहीं मिला जो उसके दिमाग को और उसके मन को संतुष्ट कर पाए। तभी उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना घर के पास में रहने वाले एक मास्टर जी के पास चला जाए। दौड़ते दौड़ते वो पहुंचा मास्टर जी के घर में। मास्टर जी को बुलाया और बोला, मास्टर जी मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मास्टर जी ने पूछा, बताओ बेटा क्या है। बच्चा बोला, मास्टर जी जीवन में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए, मैं अगर चाहूं तो कामयाब कैसे बनूं। मास्टर जी ने छोटी सी स्माइल दी और बोले, मैं तुम्हें सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बच्चा भी मुस्कुराया और बोला, बताइए मास्टर जी कि क्या काम करना है। मास्टर जी बोले कि ये लो बकरी और इसको जाके उस खूंटे पे बांधा। पहले बच्चा थोड़ा चकराया और सोचा कि मास्टर जी मुझसे क्या करने को कह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस काम को करूंगा। वो उस बकरी को लेकर चल पड़ा उस खूंटे के पास। उसने उस बकरी को खूंटे से जैसे ही बांधने की कोशिश करी, वो बकरी तो बड़ी शरारती निकली, उसके हाथ से छूटकर दूसरी ओर भाग निकली। फिर बच्चे ने उसको पकड़ा और दोबारा उसको बांधने की कोशिश करी, फिर से वो बकरी वहां से भाग गई। अब बच्चे ने थोड़ी सी चतुराई से काम लिया। फिर उसने ये किया कि उस बकरी के चारों पैर जोर से पकड़ लिए और तब उसको खूंटे से बांध दिया। बकरी भी बंध गई और वो कहीं भाग के भी नहीं गई। मास्टर जी दूर खड़े ये सब देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि उस बच्चे ने इतनी चतुराई के साथ उस बकरी को बांध दिया है, तो वो उस बच्चे के पास आए और उसकी पीठ थपथपाकर बोले कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तब मास्टर जी ने कहा कि बच्चे, यही तो है कामयाबी का रास्ता, जड़ को पकड़ने से पूरा पेड़ काबू में आ जाता है। ठीक उसी तरह किसी भी समस्या के जड़ तक जाकर उसको मजबूती से पकड़कर उसका सॉल्यूशन 100% ढूंढा जा सकता है और कामयाबी को बेहद आसानी के साथ पाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि हर समस्या का अपना समाधान ज़रूर होता है। कोई भी समस्या बिना समाधान के तो पैदा ही नहीं होती। तो उस समस्या का हल ढूंढने के लिए बस ज़रूरत होती है उसके जड़ तक पहुँचने की। उसके जड़ तक पहुंचिए, उसको मजबूती से पकड़िए और उसका सॉल्यूशन आपके हाथ में होगा। वहीं दूसरी चीज़ ये सीखने को मिलती है कि इतना सब करने के बाद भी अगर आपको सॉल्यूशन ना मिले, तो बस थोड़ा सा अपना नज़रिया बदल कर देखिए और देखिए कि कैसे चुटकियों में फिर आपको आपकी समस्या का हल मिलेगा और कामयाबी आपके हाथों में होगी।